न्यूज प्लस चैनल की सीधी बात में आप सबका स्वागत है। मैं हूं जीतू भाई पंड्या। कल भारत की सर्वोच्च अदालत ने, सुप्रीम कोर्ट ने आरटीई राइट टू एजुकेशन नामक कानून को बंधारणीय घोषित कर दिया और यह भी कहा कि आज से ये नया कानून अमल में आएगा। राइट टू एजुकेशन का जो कानून है वो पारित करने में संसद और सभी पक्षों की जो भूमिका है वो सराहनीय है। वो सब बहुत अच्छा करना चाहते हैं, कांग्रेस और जो भी विपक्ष में भी है उन्होंने सबने मिलकर ये कानून पारित किया है। मगर कम नसीबी ये है कि कभी कभी बहुत अच्छी भावना से किया हुआ काम भी अच्छे नतीजे अच्छे परिणाम नहीं देता है। जैसे आपके यहां कोई मेहमान आ गया, कोई गेस्ट आया हुआ है, गर्मी की सीजन है, आम की सीजन है, आपने उन्हें बहुत आग्रह करके बहुत दबाव डाल के आपने भी बहुत आम का रस खाया, उनको भी बहुत रस खिलवाया, कसमें दे के खिलाया कि नहीं खाना पड़ेगा, इसमें शक्कर भी डालो, इसमें घी भी डालो, नमक भी डालो, अदरक भी डालो और खाओ, खूब खाओ। और आधे घंटे के बाद आपके जो गेस्ट है वो बेभान हो गए, आंखें फट गई, आपको डॉक्टर बुलाना पड़ा, अस्पताल में ले जाना पड़ा और वहां पता चला कि उनको 450 डायबिटीज है। उनको डायबिटीज होगा ना, उन्हें पता था ना आपको पता था, आपने मेहमान गति करके उनको कोई जहर नहीं खिलाया, उनको कोई दवाई नहीं खिलाई, उनको कोई बुरी चीज नहीं खिलाई, अच्छे से अच्छा आम का रस खिलाया, घर निकाला हुआ, घर में ही निकाला हुआ आपूस केरी का रस खिलाया और उनकी हालत पतली हो गई, 6 दिन अस्पताल में रहना पड़ा। अब आपकी जो इच्छा थी, भावना थी, वो तो बहुत अच्छी थी। आप चाहते थे कि आप मेहमान गति करें, उनको मेहमान को अच्छे से अच्छा खाना खिलाए और वो बीमार हो गए। कुछ ऐसी ही बात मुझे, मैं छोटा आदमी हूं, मेरी सोच भी छोटी हो सकती है, मैं गलत भी हो सकता हूं, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि राइट टू एजुकेशन के अंतर्गत जो प्रावधान किए गए हैं उससे गरीब बच्चों का बुरा भी हो सकता है। बुरा होगा ही, ऐसा नहीं कह रहा हूं, मगर कई बातें ऐसी है जो सोचनी चाहिए। इसमें भारों भार संभावनाएं पड़ी हुई है कि गरीब बच्चे ये कानून की वजह से बड़ी मुसीबत में आ जाए, बड़ी मानसिक तनाव में आ जाए। ये कानून ऐसा है कि लघुमती, मतलब क्रिश्चियन मुस्लिम या पारसी की कोई स्कूल हो तो पता नहीं है, वो स्कूलों को छोड़कर बाकी सब ग्रांटेड नॉन ग्रांटेड शालाओं में, स्कूलों में 25% गरीब बच्चों को एडमिशन देना है। अब गरीब कौन है उसकी व्याख्या नहीं हुई है, पता नहीं है किसके किसे सरकार ये कानून के तहत गरीब कह रहे हैं, पर जो भी कोई गरीब बच्चे है वो अच्छे से अच्छी स्कूल में उनसे एडमिशन मिलेगा। मतलब ये हुआ कि आज हमारे यहाँ जो सरकारी स्कूलें हैं जहाँ बिल्कुल मुफ्त पढ़ाई हो रही है, वहाँ से लेकर सालाना 60,000 1,00,000 1.25 लाख रुपया जो फीस लेते हैं, ऐसी स्कूलों में भी 25% बच्चों को गरीब विस्तार से, गरीब भी रेखा के नीचे, पता नहीं एग्जैक्ट तो अभी आएगा, पर गरीब बच्चों को उन्हें लेना है और उसकी जो फीस है वो सरकार भरने वाली है। अब
ऊपर से देखने से तो ये कानून समाज में एकता लाने वाला दिख रहा है, गरीबों को बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी देने वाला लग रहा है, मगर वास्तव में क्या होगा ये हम देखना चाहते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि आज भी जो रईस जादो की स्कूलें हैं, जो पब्लिक स्कूल कही जाती है, दिल्ली पब्लिक स्कूल, गुजरात पब्लिक स्कूल और बड़ी बड़ी पब्लिक स्कूल जो है, जहाँ सालाना 60,000 से 1,00,000 1.25 लाख रुपया फीस लगती है, वो जो स्कूल है वो सेंट्रल एयर कंडीशन बनी हुई है, तो वहां जो लड़के पढ़ने जाते हैं उसकी हालत क्या है वो थोड़ा सोचना चाहिए। वो स्कूल में मेरे एक दोस्त का बेटा पढ़ रहा था, वो मेरा दोस्त या उसकी मिसिस उसे स्कूल पर छोड़ने जाया करते थे। एक दिन बच्चे ने कहा कि पिताजी आप या माताजी मुझे स्कूल छोड़ने मत आया करिए, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। तो उन्होंने पूछा भाई बात क्या है, बोले बाकी सब आप हमारे से भी बड़ी कार में आते हैं और वो 100 फुट ड्रिवन कार में आते हैं और आप हमें छोड़ने आते हो तो कोई बोलता नहीं है, मगर मुझे एहसास हो रहा है कि हम गरीब हैं। अब फैक्ट्री का मालिक है उसका बाप, खुद आपने आप खड़ा हुआ है, अच्छी उसकी समाज में रिस्पेक्ट है, मगर ड्राइवर नहीं रखता, सोफर नहीं रखता, तो उनके बच्चे को इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाती है, वो लघुता ग्रंथि से पिटाने लगते हैं कि हमारे पास सोफर ड्रिवन कार नहीं है, मेरे दोस्त ने एक सोफर रख लिया कि तू सुबह में आएगा, बच्चे को छोड़ेगा, फिर उसको लेके वापस आ जाएगा। तो जो स्कूल में सोफर ड्रिवन कार नहीं है वहां लघुता ग्रंथि बच्चों में पैदा हो जाती है, जिसके घर पक्के हैं, जो बंगलों में रहते हैं, जो एसी रूम में अपने रूम एसी लगा के बैठे हैं, वो बच्चों को भी इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है। तो मेरा पहला सवाल ये है कि जो बच्चा बिल्कुल गरीबी में रहता है, जिसके पास अपना कोई खास बड़ा मकान नहीं है, जो झोपड़पट्टी में रहता है, जिसके ऊपर छत नहीं लगी हुई है, वहां मेटल का एक पतरा लगा हुआ है, और वो लड़का अब देखो क्या हालत होगी वो लड़के की। सुबह में स्कूल में उसको एडमिशन मिल गया दिल्ली पब्लिक स्कूल में, अब वहां तो सुबह में नाश्ते में दो चार चीजें होती है, खाने में पूरी अच्छी से अच्छी डिश बनती है, 5-स्टार डिश बनती है। अब ये लड़का सरकार फीस भरती है इसलिए यहाँ वहां पहुंचा, उन्होंने दोपहर को सूप के साथ लंच खाना खाया, अब वो बच्चा शाम को घर पहुंचता है और उसकी माँ कहती है कि मूंग की दाल और रोटी लगाई है तू खा ले। अब आप सोचो वो बच्चे की हालत क्या होगी जिन्होंने सुबह में सूप पिया है, एक बड़ा ग्लास भर के उन्होंने दूध पिया है, नाश्ते में कॉर्नफ्लेक्स खा रहा है। अब वो बच्चा घर आके मूंग की दाल और रोटी कैसे खा पाएगा? जो बच्चा पूरा दिन एसी में बैठा है वो शाम को 4 बजे घर आता है, घर ऐसा जल रहा है, घर मान लो जल रहा है। अब जो लड़का बाहर गली में दोपहर को भी खेलता है गर्मी में, उसे वो घर जला हुआ नहीं लगेगा, मगर जो लड़का स्कूल में एसी में पढ़ के आता है, घर में उनका खुद का रूम नहीं है, एक ही रूम में सब सोते हैं, अब जो लड़का बिल्कुल सोफा जैसी चेयर पे बैठ के पढ़ रहा है, वो घर आके फटी हुई गोदड़ी में कैसे सो पाएगा? इसका कभी ख्याल किया है आप लोगों ने? वो बच्चा मानो कि अच्छे दोस्त है, बच्चों में कोई बड़ा ऊंच नहीं होता है, बड़े रईस घर के लड़के भी ये लड़के को अपने घर ले जाएंगे, दिखाएंगे ये मेरा रूम है, ये मेरी बाथरूम है। अब वो बाथरूम देख रहा है जिसमें 2-4-5 लाख रुपए के नल लगे हुए हैं, फवारे लगे हुए हैं, टब लगा हुआ है, अपने दोस्त के पास खुद का बहुत बढ़िया टीवी सिस्टम है, स्पीकर्स लगे हुए हैं, कंप्यूटर्स लगे हुए हैं उनके खुद के। अब वो बच्चा घर जाएगा, उसके घर में वो फटा पुराना टीवी है जहां आवाज ठीक से नहीं आ रही है, पिक्चर ठीक नहीं देख रहा है। अब ये बच्चे की जिंदगी दो राहे पर आके खड़ी हो जाएगी,
वो स्कूल में जब जाता है तो वो इंफीरियरिटी फेल करेगा, अपने आप को नीचा समझेगा, और घर में आके घर वालों को वो नीचा समझेगा। उनके घर वाले वो स्टैंडर्ड तक उसे कैसे पहुंचा पाएंगे, जहां बारिश में ड्रेस बदल जाती है, ठंडी में ड्रेस बदल जाती है, जाड़े में ड्रेस बदल जाती है, वहां कोई खास प्रकार की पोशाक इस दिन को पहन के जानी है, आज गुलाबी कपड़े पहन के जाने हैं। अब ये सब ये बच्चा कैसे कर पाएगा? वो तड़पेगा, टूटेगा, रोएगा, उन्हें अपनी जिंदगी पे तरस आएगी, वो न गरीबी बर्दाश्त कर पाएगा, न पार्ट टाइम ये जो फैसिलिटी है, पार्ट टाइम जो श्रीमंताई मिल रही है, न वो बर्दाश्त कर पाएगा, वो टूटेगा, पूरी तरह टूट जाएगा। और अभी समझ लो एक दूसरी भी बात होगी, ये बच्चा जो बड़े बड़े रईस आदमियों के घर आता जाता हो गया है, दोस्तों की बड़ी बड़ी कार में घूम रहा है, उनके दोस्तों ने उन्हें बड़े बड़े तोहफे देते हैं, कान में बटन लगा के गाना सुनने की सिस्टम उन्हें दे दी है, मोबाइल भी अपना पुराना निकाला हुआ मोबाइल भी ये बच्चे को दे दिया कि बेटा दोस्त तू मेरा दोस्त है, राकेश तू ये मोबाइल ले ले। अब मोबाइल का बिल कौन भरेगा? और आप सोचो कि उनके भाई बहनों की हालत क्या होगी। अब एक फैमिली है जिसमें जो बड़े बच्चे हैं वो कोई सरकारी स्कूल में पांचवीं में पढ़ रहा है, कोई चौथी में पढ़ रहा है, और ये भाई है जिसको एसी स्कूल में एडमिशन हो गई, एयर कंडीशन स्कूल में एडमिशन हो गई। अब वो दोस्तों का मोबाइल लेके घर आ रहा है, उसके बड़े भाइयों के पास मोबाइल नहीं है। अब वो रोएंगे, छीना झपटी करेंगे, अगर वो ये मोबाइल नहीं देता है तो बड़े भाई बड़ी बहन उसका मोबाइल बाहर फेंक आएगी, चुरा लेगी। भाई रोएंगे कि उसको मोबाइल है, मेरे पास मोबाइल नहीं है, उसके पास आईपैड है, मेरे पास नहीं है, उसको तुम अच्छे कपड़े पहनाती हो, हमें बिल्कुल सादे कपड़े पहनाती हो। जब वो इंग्लिश में बात करेगा और उसका भाई जो है वो सरकारी स्कूल में पच्चीस नहीं कर सीख पाएगा, ये बच्चा जो है वो अपने आप से टूट जाएगा, अपने घर वालों से टूट जाएगा, वो शर्मिंदगी अनुभूति करेगा कि ये मेरे पिताजी है। अब क्लास में सब बात कर रहे हैं कि मेरे पिताजी ने एक नई फैक्ट्री ले ली, मेरे पिताजी ने आज कार ले ली, हम सब फैमिली जो है वो यूरोप जा रहे हैं, हम कश्मीर घूम के आए, हमने ये खरीदा वो खरीदा। ये बच्चा क्या कहेगा? क्लास में कोई कह रहा है कि मेरे पिताजी इतने बड़े रईस आदमी है, ये बच्चा कहेगा कि मेरे पिताजी सरकारी ऑफिस में प्यून है, ड्राइवर है। अच्छे अच्छों की जो समाज के मध्यम वर्ग के लड़के हैं, जिसके पास छोटी मोटी कार है, वो भी स्कूल में महफूज नहीं है, वो भी वो स्कूल में जाके सहमे हुए जीते हैं, इंफीरियरिटी में जीते हैं, तो ये बिल्कुल गरीब बच्चों की क्या हालत होगी? वो अपने पिताजी के साथ साइकिल पर बैठ के जा रहा है और उसका एक अमीर मित्र अपनी सोफर ड्रिवन कार से जा रहा है, वो कार में से उसे बुलाता भी है, दोस्त है, बुलाएगा उसे। ये लड़के को होगा कि काश ये मेरे पिताजी नहीं होते, उन्हें लगेगा कि मैं कहां आ गया हूं। जैसे कोई आदमी कोई गुनाह कर देता है और जेल में पहुंच जाता है, अच्छे खानदान से, बड़े खानदान से है, जिंदगी में कभी आसपास कभी क्राइम नहीं देखी, कभी किसी ने जेल नहीं देखी, वो आदमी जब जेल में आके जो अनुभूति करता है, रोता रहता है, पूरे दिन कोसता रहता है कि मैंने ये क्या कर दिया,
वही हालत ये बच्चे की होगी, वो एक अमीरी की जेल में कैद हो जाएगा, न वो वहां अमीर बन पाएगा क्योंकि अमीर तो वो है नहीं, सरकार ने उसे पार्ट टाइम अमीर बना दिया है। गरीबी पीछा नहीं छोड़ेगी, अमीर बनया बना नहीं है, और वो ऐसी अमीरी में जी रहा है कि उसके आसपास के जो दोस्त है, उसके समाज के जो लोग हैं, उससे वो बिछड़ जाएगा, वो अपने भाइयों से टूट जाएगा, वो बोलेगा ये मेरा भाई नहीं है। ये दो चार क्लास पढ़ने के बाद अपना नाम मगन है तो मनु भाई करवा देगा, वो बोलेगा मगन मेरा नाम नहीं चलेगा। अब उसके भाई का नाम तो बिल्कुल वही है, उनका भाई रमेश है, ये मगन था वो मनु भाई हो गया, मगर वो भाई तो वही का वही रहेगा, बहन वही की वही रहेगी, वो भाई बहन जो है वो भी सब बिछड़ जाएंगे, उसकी इतनी ईर्ष्या करेंगे कि समझेंगे ये मेरा भाई ही नहीं है। अब कोई वजह से, भगवान ना करे ऐसा हो, कोई वजह से ये लड़का चौथी पांचवी तक पढ़ा फिर नहीं पढ़ पाया, उन्होंने स्कूल छोड़ दी, अब क्या हालत होगी उसकी, एसी में रहा है, फाइव स्टार डिनर किए है, सूप पिए है, अब जिंदगी यही है कि झोपड़पट्टी में रहना है। मान लो उन्होंने बारहवीं तक ये स्कूल में पढ़ा, बार तक पूरे पढ़ाई की उन्होंने, अब शादी की बात आती है तो बड़ी वही मुसीबत खड़ी हो जाएगी, अब वो अपने समाज की कोई लड़की को हां नहीं कह सकेगा, अपने गरीब समाज की कोई लड़की, कम पढ़ी हुई लड़की या बारहवीं में दूसरी स्कूल में छोटी स्कूल में पढ़ी सरकारी स्कूल में पढ़ी लड़की के साथ वो अपना जीवन कैसे बिता पाएगा। कोई लड़की है जिसे एडमिशन मिल गया बड़ी भारी स्कूल में, अब वो बारहवीं हो गई, कॉलेज पास कर लिया, अब वो समाज में अपने समाज में एडजस्ट नहीं हो पाएगी, और दूसरा समाज जो सही मायनों में रईस समाज है वो ये लड़की को या लड़के को अपनाने वाला नहीं है। अब ये लड़की टूट जाएगी, अपने समाज में शादी होते ही वो अपने आप को मरी हुई पाएगी, वो लड़का जो गंवार औरत के साथ या बिल्कुल कम पढ़ी औरत के साथ या जिसको इंग्लिश आती ही नहीं ऐसी औरत के साथ कैसे जिंदगी बिताएगा, वो ना अपने माँ बाप को अपने साथ रखना चाहेगा, न वो चाहेगा कि उनके गरीब दोस्त उसके साथ हो, उसके अड़ोस पड़ोस वाले उसे दोस्ती रखें, और हालत तो बुरी तब होगी कि जब ये लड़के को, जो रईस जादे के लड़के स्कूल में पढ़ते थे तब उसे दोस्त भी बना लिया था, दोस्त भी मानते थे, और बाद में जब उन्होंने बड़ा कारोबार संभाल लिया, बड़े घर में चले गए, खुद बड़े अधिकारी बन गए या खुद बड़े उद्योगपति बन गए, ये दोस्त को भूल जाएंगे, उनके पास ना गरीब दोस्त रहेंगे ना अमीर दोस्त रहेंगे, तो आप मार ही डालोगे एक बच्चे को। वो इतने भारी दबाव से जीवन में पसार होगा, जब तक पढ़ेगा तब तक परेशानी में रहेगा, पढ़ने के बाद परेशानी में रहेगा, न वो अपनी दुनिया में समा पाएगा न वो नई दुनिया में समा पाएगा। एक छोटा सा उदाहरण देके मैं बात करना चाहता हूं, मेरी जब न्यूज प्लस चैनल की ओर से हमने गोरवा विस्तार में एक समाज एक काम शुरू किया था, हम 10-15 लोग गरीब अपने सोसाइटी विस्तार में से कपड़े लेकर 2-3 इतवार तक 5-7 हजार कपड़े इकट्ठे करते थे और झोपड़पट्टी में जाके बेचते थे। एक बार हम एक झोपड़पट्टी में पहले 8-10 महीने पहले कपड़े बांट के आए थे, वही झोपड़पट्टी में फिर से कपड़े देने के लिए गए, हमारे पास 5-7 हजार कपड़े लगे हुए थे, हम बांटना शुरू ही किया कि एक भाई आए सामने से, रिटायर्ड आदमी थे, उन्होंने कहा कि जीतू भाई आप क्या कर रहे हो, ये अच्छा कर रहे हो क्या? मैंने कहा इसमें मैं क्या बुरा कर रहा हूं? उन्होंने कहा बाजू पे आओ मेरे, उन्होंने नाम दिया, कहा मैं शिक्षक हूं यहां रहता हूं, आपकी वजह से हमारी पूरी बिरादरी जो है वो परेशान हो गई, आप जो कपड़े बांट के चले जाते हो हमारे यहां तकलीफ होती है।
मैंने कहा क्या तकलीफ होती है? बोले आप पूरे सबके सब घरों में एक जितने भी चाहिए उतने कपड़े दे सकते हो। हमने कहा नहीं दे सकते। बोले आप पिछली बार जब आए थे एक लड़की को आपने 2000 रुपये का एक फ्रॉक दिया था, 1500-2000 का फ्रॉक रहा होगा। अब वो लड़की 4-5 महीने तक वही फ्रॉक पहन के घूमती रही, रोज वो 2-3 दिन में वो धोती थी, माँ से धुलवाती थी और वही पहन के घूम रही थी। अब बाकी की जो लड़कियां है लड़के है वो रोते थे कि हमें भी वैसा फ्रॉक लाके दो। और मातम तो तब मच गया जब वो फ्रॉक बिल्कुल फट गया, इतना भारी था कि इतनी सारी बार धोया नहीं जाता, वो फट गया। अब वो लड़की रोती रहती है कि मैं ये 50-60 रुपये का फ्रॉक नहीं पहनूंगी, मुझे वैसा ही फ्रॉक पहनाओ, क्या तुम जिंदगी भर हमें नए कपड़े दे सकते हो? तो लेके आओ ये सब, नहीं तो बंद करो। हम सब एक सरखे कपड़े पहन के सुखी थे, सबके कपड़े फटे हुए थे, सबके कपड़े गंदे थे, सबके कपड़े सामान्य थे। आप यहां बड़ी साड़ी देके चले जाते हो जिस जो 500-700-800 रुपये की है, अब वो साड़ी पहन के एक औरत घूमती है और बाकी की औरत दुखी दुखी हो जाती है। तो आप मेहरबानी करो, बोले आप दूसरी कोई झुंपड़पट्टी में जाओ, जिसको चाहिए उसे दे दो, यहां मत आना, अब दोबारा यहां मत आना। वो शिक्षक था, उन्होंने मुझे बड़ी शिक्षा दी। हमने वो सोसाइटी बंद कर दी, वो काम बंद कर दिया। बात सही है, और यही बात जो ये शिक्षक ने कही थी कि तुम हमारी सोसाइटी में आग लगाते हो, हमारी झुंपड़पट्टी में तुम आग लगाते हो, ये कपड़े नहीं बांट रहे हो। तो मैं ये समझता हूं कि वो बात जो उन्होंने मुझे कही थी वो सरकार को समझनी चाहिए कि ये गरीबों के बीच नए टापू खड़े हो जाएंगे। एक झुंपड़पट्टी है जहां कोई 50,000 लोग रहते हैं, उसमें से 200 बच्चे जो है वो अलग थलग पड़ जाएंगे, ना वो झुंपड़पट्टी के रहेंगे ना उसे बड़े महल मिलने वाले हैं। सपने वो आप महल के दिखाओगे उसे और फिर बाद में कहोगे झुंपड़पट्टी में रहो या सामान्य घर में रहो या खोली में रहो, वो नहीं रह पाएगा। तो ये जो कानून है RTE का, राइट टू एजुकेशन का, वो सही है। सरकार बड़ी बड़ी स्कूलें खोले, सरकार खुद अच्छी स्कूलें चलाए, कानून तो हो गया है, अब कुछ होने वाला नहीं, ये होगा समाज में। मगर जो मुझे सुनने वाले हैं अगर वो ये बात सुन रहे हैं तो मैं आपसे कहता हूं कि आप इतना ही काम कीजिए जो आपकी बस का है। मेरी बेटी की बेटी है, एक बिल्कुल मिडिल क्लास स्कूल में पढ़ती है। मेरी बेटी की इतनी अच्छी आमदनी है कि वो 1,00,000 रुपया फीस वाली स्कूल में भी डाल सकती थी, मगर हमने तय किया कि नहीं, हमारा जो समाज है, हम जहां से आते हैं, हमारी बेटी जय अंबे विद्यालय में पढ़ेगी, दिल्ली पब्लिक स्कूल में नहीं पढ़ेगी। तो आप भी, सरकार मुफ्त फीस दे देगी मगर आपका बच्चा टूट जाएगा, आपसे बिछड़ जाएगा, उसकी जिंदगी तबाह हो जाएगी। तो अच्छे नतीजे, अच्छे उद्देश्य से यह कानून लाया भी गया हो, मैं समझता हूं उसको पर सोचना चाहिए, समाज को फिर से सोचना चाहिए, उसके दूसरे उपाय करो। नुकसान कोई अमीर का होगा नहीं। अगर 25% ये गरीब बच्चों को स्कूल में दाखिला देना है तो नई 25 स्कूलें खुल जाएगी अमीरों के लिए, मगर जो नुकसान है वो अपने समाज को छोड़कर ऊंचे समाज में ऊंची छलांग लगाने की कोशिश करने वाले को होगा। सीधी बात में आज बस इतना ही, कल हम फिर मिलेंगे।